अव्यवस्था अत्याचार आउ अन्याय अर्थबल प्रशासनिक कलर कब्जा रे मो सरकार महंगा डबल मर्डर घटनारे न्याय देवारे विफल पुलिस बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्याकांड को वर्षे पूरी जाइथिबा बेले एबे भी विवाद घेरे महंगा पुलिस आ विवाद घेरे खोद आईन और पंचायतीराज मंत्री प्रताप जेना एफआईआर 13 नंबर मुदाला थिले प्रताप तांको नारे लागी थिला दफा 302 हेले एजाए तांको विरोध रे हेला नाही कार्यानुष्ठान आईन ता बाटरे जीवा कथा सरकार कहुथुबा बेले आईन केउ बाटरे जाउछि बोली प्रश्न करिछंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जेबड़ आवास कलंकारी को लुचाया पई ए सरकार रक्तमुखा होइछि बोली कही राज्य सरकार को ऊपर बरसिछंती बीजेपी राज्य सभापति समीर महांति जे कलमणि बाबूंकर बलिदान केबे भी व्यर्थ जीव नाही कौनसी भी बलिदान व्यर्थ जाए ना इठी जो मैंने स्वांग रचुचंती मो सरकार पारदर्शी सरकार आज बर्षे परे को अवस्था ये केस टी अच्छे आवास केलेंकारी को नहीं पड़ुला उठुला राज्य सूचना अधिकार आईन बल में तथ्यर खुलासा कर पंचायतीराज विभाग मुखा खोली थे मृत कुलमणि बराल मृत्यु को एक वर्ष पूरी जाता बेले आज प्रतिमूर्ति रही उन्मोचन आ कुलमणि बाबू का बलिदान व्यर्थ जीव ना बोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अन्यपटे यह प्रसंग में सरकार अभियुक्त को घंट घोड़ा उठवर आसी अभियोग प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य में हड़फ हो प्रधानमंत्री गरीबों घर पठाऊ बेले 1500 कोटी टंका बाट मारणा हो राज्य में जोर जबरदस्ती शासन चली प्रधानमंत्री आवास योजना हड़फ हो दलय आधार में बंटा जाति तोषण होपराधी को सुरक्षा देवाई सरकार बड़ बड़ अधिकारी आईन विभाग अधिकारी काम लगी सरकार निष्पत्ति को कहीं आपण को पुलिस मानला नहीं कहीं एडीजे कोर्ट को गले एडीजे कोर्ट को कड़ा कथा कहवाई कण पड़ा ओडिया लोकंकर टैक्स रे दरमा पाउथुबा सरकारी वकिल आपणकर पुलिस रे कर्मचारी सामान्य लोकंक पाई लड़े करबा दरकार केही भी हो केड़े भी प्रतिपत्तिशाली लोक हो आपण एमानों को गरीब लोकों विरुद्ध लगोचंती टैक्स रो पैसा रे पाउथुबा दरमा दुरुपयोग करुचंती 2021 मसिया जनवरी 2 तारीख वर्ष आरंभरु महंगारे गड़िला दुई मुंड बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल को करागला निर्मम हत्या घटनार मुख्य अभियुक्त कहुआ प्रफुल्ल विश्वास भी मिलला मृतदेह आ प्रफुल्ल ओरफ काबुआ मृत्यु दुर्घटना जनित कहुआ बेले मंत्री परिवार मालिकाना थिबा दुशासन जेना यार्ड निकट रू मिलता प्रफुल्ल मृतदेह गाड़ी सुरक्षित थिला हेलमेट सुरक्षित थिला हेले काबुआ सिम कार्ड मिल नथिला आ काबुआ हत्या कर संगीन अभियोग आनी कुलमणि पुआ रमाकांत बराल एपरिक मंत्री पीए बापी विश्वाल महांगा ब्लक अध्यक्ष शरद नायक को तदंत परिसरभुक्त करने दावी करते कुलमणि
ନା ଆମେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଅଦାଲତ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ଏବଂ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଥିଲେ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ବିତିଗଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ। ହେଲେ ଘଟଣାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହିଁ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।